लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्ष की जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के बाद किसी भी नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई ने जांच बंद नहीं की है। पीएम मोदी ने कहा, संकीर्ण सोच की राजनीति ने विकास को सालों तक रोका। बंगाल में 34 साल का लेफ्ट शासन इसका उदाहरण है। निवेश और औद्योगिकीकरण ठप हो गया, यहाँ तक कि आज भी टीएमसी सरकार राज्य के वित्तीय विकास के बजाय एक विशेष परिवार के हितों की रक्षा करने में लगी हुई है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी नेता पोंजी स्कीम के पशु तस्करी तक के सभी भ्रष्टाचारों में शामिल है। पूरा देश इस बात का गवाह है कि किस तरह से ईडी द्वारा गिरफ्तार टीएमसी नेताओं के घरों से यहां तक कि टॉयलेट से कैश और गोल्ड मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन भी की है उनके खिलाफ भी जांच नहीं रोकी गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, पूरे देश को चुनाव आयोग पर भरोसा है, यह हारे हुए गठबंधन के आरोपों से खत्म नहीं होगा। हार का एहसास होने पर कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। जब कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में जीती तो इस चुनाव आयोग ने ही वहां चुनाव कराए थे। पीएम ने कहा, यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस कैसे बैलेट सिस्टम को वापस लाने के लिए कह रही है। ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और साफ बन गई है।